हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में एक और एलडीसी भर्ती को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और जो है आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि एलडीसी के 5000 पदों पर भर्ती का ऐलान करेंगे श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। तो आज शाम को 5 बजे मीटिंग होने वाली है कैबिनेट की, जिसके अंदर 5000 पदों पर एलडीसी भर्ती का यहाँ पर जो है चर्चा होगी। तो क्या है ये एलडीसी भर्ती, 5000 पदों पर क्यों होने वाली है, कब की एलडीसी भर्ती है, पूरे विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। कि एक तो आपका एलडीसी हाईकोर्ट की भर्ती, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म चल रहे हैं। एक आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जो अधीनस्थ बोर्ड है, उसकी 14000 पदों पर जो भर्ती का जो ऐलान हो चुका है वो भर्ती चल रही है। एक इसके अलावा एक नई और भर्ती निकल के आ रही है कि 5000 पदों पर एलडीसी की यहां पर भर्ती का ऐलान होगा आज शाम को 5 बजे। तो क्या है ये जानकारी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने कटिंग होगी आज न्यूज़पेपर की, उसमें हेडलाइन लिखी हुई है राजस्थान एलडीसी 5000 पदों पर होगा ऐलान। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एक ऐसी भर्ती जो बहुत पहले से जो है लंबित पड़ी हुई है एलडीसी की भर्ती, और वो है 2013 की जो पंचायती राज विभाग की जो एलडीसी भर्ती है, जो पिछले 9 साल से लंबित पड़ी हुई है। मतलब मैं आपको बता देता हूं, जब मैं 12वीं क्लास में था और 12वीं क्लास पास करने के बाद में जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में गया, जब मेरी उम्र शायद 18 साल हुई थी, उस समय भर्ती आउट हुई थी। और ये भर्ती 2013 की, तब की ये भर्ती है। और अभी मैंने पूरी पढ़ाई कर ली है, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर ली है, सब कुछ, मतलब इतना सब कुछ हो गया, 9 साल गुजर गए दोस्तों। 9 साल बाद में जो है इस भर्ती प्रक्रिया की अपडेट आ रही है, आप देखिए। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है पूरा इस विस्तार में, जिनको पता नहीं है। पंचायत राज विभाग की जो भर्ती 2013 की, उसमें क्या हुआ था, कितने पदों पर भर्ती थी, कितने पद ले लिए गए, पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। उसके बाद में अभी जो अपडेट आ रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखनी है सबको, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, जब पंचायती राज विभाग में यह भर्ती निकली थी, लगभग 20,000 यानी 19,515 पद पर यह डायरेक्ट भर्ती थी, यानी बिना किसी एग्जाम के यह भर्ती होगी परसेंटेज बेस पर। अब परसेंटेज बेस क्या था या बोनस अंक क्या था, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो 2013 के अंदर 19,515 पद पर एलडीसी की भर्ती निकली हुई थी कि हम जो है हर पंचायत के अंदर 2 एलडीसी रखेंगे, इस योजना के तहत यहां पर भर्ती निकाली गई थी। जिसमें क्या हुआ था, इस भर्ती के अंदर जो क्राइटेरिया था कि कैसे हम चयन करेंगे, तो बिना एग्जाम के चयन करेंगे, यानी जो 70% वेटेज रहेगा वो तो आपको 12वीं क्लास का रहेगा, और जो 30% वेटेज रहेगा वो आपका रहेगा बोनस अंक का। अब बोनस अंक कैसे, तो ऐसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे संविदा पर, जो किसी सरकारी योजना के तहत काम कर रहे थे, जैसे मनरेगा में कोई काम कर रहा था, ठीक है, कोई कंप्यूटर का कोई काम कर रहा था जो संविदा पर लगा हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान पर जो काम कर रहा था, तो बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो काफी सालों से चलती आ रही हैं, उसके तहत संविदा पर बहुत सारे युवा बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं वो जॉब कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे अभ्यर्थी को यहां पर परमानेंट करने के लिए और एलडीसी बनाने के लिए उन्होंने बोला कि 70% वेटेज तो आपका 12वीं का रहेगा, और 30% वेटेज में जो है यहां पर 1 साल के अनुभव में 10 अंक, 2 साल के अनुभव में 30 अंक, और 3 साल के अनुभव में यहां पर जो है 30 अंक आपको दिए जाएंगे। यानी 1 साल का अनुभव है तो 10% आपको दिया जाएगा, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो 20% दिया जाएगा, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 30% दिया जाएगा। इस आधार पर यहां पर यह भर्ती निकाली गई थी, ठीक है ना। भर्ती का प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई थी, फॉर्म भी भर लिए थे सभी विद्यार्थियों ने, जिनको भी एक्सपीरियंस था या जो 12वीं में जिनकी अच्छी परसेंटेज थी, सभी ने फॉर्म लगा दिया था। फॉर्म लगाने के बाद में भर्ती प्रक्रिया भी हो गई और चयन भी हो गया काफी सारे अभ्यर्थियों का। तो यहां पर 7,755 पद पर यह भर्ती हो गई थी और इनको नियुक्ति भी दे दी। 19,515 में से 7,755 यहां पर जो पद थे, इन पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, इनको नियुक्ति भी दे दी। बाद में जो है 1600 पद पर भी और जो है नियुक्ति दे दी गई थी। तो 19,515 में से 7,755 कैंडिडेट, साथ में 1600 कैंडिडेट की जॉब लग गई थी, इनकी नियुक्ति हो गई, ये आज भी जॉब कर रहे हैं। और जो बचे हुए 10,029 पद है, इन पर अभी तक भी जो है यहां पर जो है भर्ती नहीं ली गई थी, 10,029 पद अभी भी खाली हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बोनस अंक के आधार पर ही भर्ती थी, डायरेक्ट ये भर्ती थी। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो हाईकोर्ट में चले गए, उन्होंने बोला कि भाई इस भर्ती पर रोक लगाओ, ये भर्ती जो है बोनस अंक के आधार पर है। तो बहुत सारी गड़बड़ यहां पर हुई, काफी बार ये भर्ती अटकी और फाइनली 2013 जुलाई महीने के अंदर इस भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था। और उसके बाद में साल पे साल बीत गए, थोड़े थोड़े अपडेट आती गई, उसके बाद में
9 साल हो चुके हैं, पिछले 2021 से अपडेट आ रही है और अब 22 में जाके आज शाम को 5 बजे इसकी मीटिंग होने वाली है। तो ये जो बचे हुए यहां पर 10,029 पद हैं, इसके लिए कहा गया है कि ये भी एक साथ नहीं निकलेंगे, इसमें भी हम 2-3 चरणों में जो है इसकी भर्ती करेंगे। तो पहले चरण में ऐसी अपडेट सामने आ रही है, मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने कहा है कि हम पहले चरण में लगभग 5,000 पदों पर इसकी भर्ती करने वाले हैं। तो आज डिसाइड हो जाएगा कि जो 5,000 पद हैं इस पर नए सिरे से भर्ती स्टार्ट होगी और उसमें जो पहले से फॉर्म भर रखे हैं क्या उनको फॉर्म भरवाएंगे नहीं भरवाएंगे, इसके अलावा इसका जो मापदंड है, जो क्वालिफिकेशन है या जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो क्राइटेरिया है वो क्या रखेंगे, ये आज तय हो जाएगा। तो 9 साल से लंबित इस भर्ती का अभ्यर्थी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि आज फाइनली इस भर्ती का निर्णय हो जाएगा कि भर्ती होगी नहीं होगी। ऐसे अपडेट आ रही है कि 5,000 पदों पर एलडीसी की भर्ती होगी, जिसमें जो पहले वाले अभ्यर्थी हैं जो 9 साल पहले जिन्होंने फॉर्म लगाया था, वैसे तो नए सिरे से स्टार्ट होगी क्योंकि इतनी साल हो चुकी है, तो भर्ती वापस से नए सिरे से स्टार्ट होगी, ठीक है ना, और उसके बाद में वापस से फॉर्म लगाए जाएंगे। हो सकता है पद और भी बढ़ जाएं, 5,000 से 8,000 हो जाएं, 10,000 हो जाएं, वो डिपेंड करता है आज क्या निर्णय होगा। और इसके साथ ही ये भी पता लग जाएगा किस क्राइटेरिया के आधार पर इनको जो है चयन किया जाएगा, क्या वही चयन प्रक्रिया होगी कि भाई 70% वेटेज आपका 12वीं का और 30% आपका जो भी सुविधा पे काम कर रहे हैं उनको बोनस अंक एक्सपीरियंस के हिसाब से दिया जाएगा, क्या वैसे भर्ती होगी डायरेक्ट भर्ती या कोई एग्जाम होगा, क्या होगा, आज शाम को 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, उसमें तय हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बता देता हूं हाईकोर्ट एलडीसी के फॉर्म निकले हुए हैं, आप सभी को पता है एसएससी के अंदर एसएससी सीपीओ स्टेनोग्राफर बहुत सारी जो एग्जाम्स हैं उनके फॉर्म निकले गए हैं। इसके अलावा आरएस लेवल की भर्ती एक और निकली आरपीएससी कैटेगरी में, जो आपके जो है यहां पर एक तरह से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की है, रेवेन्यू ऑफिसर की जगह निकली हुई है। तो उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी कैटेगरी की किसी भी एग्जाम की, या इसके अलावा जो है आप लोग एसएससी कैटेगरी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग अनअकैडमी से सकते हैं। अनअकैडमी भारत का नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर मैं भी रेगुलर पढ़ा रहा हूं एसएससी कैटेगरी के अंदर। रोजाना मेरी क्लास होती है, सुबह 11 बजे साइंस की क्लास होती है, शाम को 8 बजे जीके की क्लास होती है। तो आप लोग अगर फ्री पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप जो है पोल या कोई भी फीचर्स का लाभ उठाना चाहते हैं, पीडीएफ आपको चाहिए क्वेश्चंस की, तो आज शाम को 8 बजे आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। रेगुलर मेरी क्लास हो रही है, बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सभी फीचर्स का आप लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं एसएससी कैटेगरी में 25 तारीख से। जी हां, 25 अगस्त से आपके नए बैच स्टार्ट हो गए हैं, सीजीएल के बैच स्टार्ट हो गए हैं, सीएचएसएल के, सीपीओ के, जीडी के, एमटीएस के, इन सभी बैचेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेके। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा कोड यूज करें कैपिटल GENUINE10 GENUINE10, तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा। अनअकैडमी के सभी कैटेगरी के सब्सक्रिप्शन पर मेरा कोड लागू है, तो आप लोग मेरा कोड लगाएं और 10% ऑफ पाएं। इसके अलावा अनअकैडमी लाइट क्या है, तो अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी ने हाल ही में लॉन्च किया है एसएससी कैटेगरी के लिए। अनलिमिटेड फ्री क्लास लेना चाहते हैं, इसके अलावा आप लोग 50 प्लस टेस्ट सीरीज, जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी लाइट ₹399 में 1 साल का आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो कुछ डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।